نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मबारक अला महमदा आल मोहम्मद कमारक अलाब्राहिम्राहिमद मजीद आज का हमारा मौजू है सर को ढांप कर नमाज पढ़ना हमेशा बात याद रखा करें जब भी कभी कहीं बात करने की जरूरत पड़ जाए तो अपना मौजू खुद मुंतखब किया फरमाया करें आप अपना मौजू ख़ुद बताया करें कि हमारा मौजू ये है और अपना नज़रिया बताया करें न कि गैर का बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से सिर्फ़ बात आ जाती है तो हमारे साथियों के जहन में भी यही बात बैठ जाती है शायद मौजू ये है हालाँकि ऐसे नहीं होता आपने जिस मौजू पर तैयारी की है आपने जिस मौजू पर दलाल समझे हैं उसी मौजू उ नज़रिए पर बात करने की कोशिश फरमाया करें अब ये मसला है सर ढाँक कर नवाज पढ़ना ये मसला ये नहीं है कि सर को नंगा करके नमाज़ पढ़ना जायज़ या जा, नहीं जायज़ नहीं है ऐसे नहीं है तो हमेशा याद रखो बाज़ मतब ऐसा होता है कि रफ़ दिन का मसला होता है तो हमारे साथी कहते हैं भाई रफ़ दिन का मसला हालांकि रफ़ दिन का मसला नहीं है ये है तरक रफे दिन का हमने हम रफ़ दिन नहीं करते क्यों नहीं करते उसके दला लिए तो किसी भी मौजू पर आप बात करने की जब भी मौका मिल जाए और नहीं किसी बातिल से ज़रूरी नहीं है अपनी मस्जिद अपने महल में अपने बच्चों को जब भी कभी समझाएं जहां भी समझाएं अपनों को समझाएं तब भी मौजूद ये बताएं कि हम रफ़ नहीं करते उसके दलाल ये हैं हम सर नंगा करके नमाज नहीं पढ़ते उसके दलाल ये नहीं हम ये कहें कि हम सर ढांप कर नमाज़ पढ़ते हैं उसके दलाल ये हैं हमारे नज़रे पर ये, ये मौकूफ़ है तो इन शकददी आपके तलबा आपके, आपके महल के बंदे आपके मसले को अच्छी तरह याद कर सकते हैं क्यों सबसे पहली बात होती है कि हमारे मसले में हमारा नज़रिया क्या है जब नजरिया समझ में आ जाएगा तो दलाल समझ में न आएँ तब भी कोई टेंशन नहीं होती दलाल बंदा बाद में भी बता सकता है कम अज़ कम उस बंदे को इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा मसला क्या है सबसे पहली बात यह कि हम कोशिश ये करें कि अपना मौजू जो है ये इसको अच्छी तरह मंतख करके फिर बात का बात की इब्तदा करें और आप जब भी किसी अहल बातिल से बात करोगे तो उसकी कोशिश ये होती है कि उस चीज़ का इनकार करके अवाम के अंदर ये बावर कराने की कोशिश करता है कि ये इनका मसला ठीक नहीं है अब आप इसी फाइल के अंदर देखेंगे बहुत से ऐसे गैर मुखलद जो इनके बड़े बड़े हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई नंगे सर नमाज़ पढ़ना ये खिलाफ ए अदब है खिलाफ़ सुन्नत है और उन्होंने कई कई तरह से इसका रद्द फरमाया है कि ये बात ठीक नहीं है अदब के खिलाफ है सुस्ती और काहली की वजह से हो तो ये ये भी ठीक नहीं है बहरहाल उनके मौकूफ़ आगे आएंगे तो इनके अकबर जब ये बात मानते हैं कि सर नंगा करके नमाज नहीं पढ़ी जाए तो आया कि ये क्यों इसे कोशिश करते हैं ताकि हम नंगे सर नमाज पढ़ें और लोगों को बताएं आखिर इनके पास क्या दलाइल हैं आखिर इन कौन सी चीज़ देखी ली जिसकी वजह से इन्होंने अपना नज़रिया उनसे चेंज कर लिया जो इनके अकाबिर भी हैं तो मैं आपको समझाने के लिए कहूंगा कि इन्होंने उनसे अपने बड़ों से जो इन्हराफ किया है उनसे जो चेंज किया अपना नजरिया उनको छोड़कर इन्होंने अपनी बात मनवाई है उसकी वजह सिर्फ बग्स इनाद है और कुछ भी नहीं है क्यों आप देखें शैतान को शैतान को जब भी आप कोई नेक काम करेंगे शैतान को नहीं आप जवान हैं इबादत करें कहता बुढ़ा हो जाए फिर तर्जुन में उठना भी क्या ज़रूरत है अभी तालब इन में पढ़ रहे हैं अभी शैतान वसाव से डालेगा छोड़ जब आगे चल कर खुद ही आ जाएगा दर्जा साल शराबिया में खुद ही आ जाएगा कोई मसला नहीं यह आपको शैतान वसाव से डालता रहेगा डालते रहेगा यहाँ तक कि जब आप मौलवी बन जाएंगे आलिम बन जाएगा उसके बाद जब किताब उठाएंगे हमें अजीब लगेगी अरे यार ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही अब क्या करूँ इसके लिए रात उसद मोहतरम मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब से हम बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बयान फरमाई कि हम लोग ऐसे हैं कि अगर किसी बात का जवाब बन जाए तो हम शेर बन जाते हैं जब किसी बात का जवाब बन जाए तो हम शेर बन जाते हैं और अगर जवाब न बने कहते छोड़ो क्या ज़रूरत है इसे अख्तलाम पढ़ने की ने बहुत अच्छी बात मुझे बहुत पसंद आई और वाकई भी ऐसे और ये छोटूंगा नहीं हर एक का मसला है भाई जब बात बन जाती है जवाब आता है हम शेयर हो जाते हैं और जवाब नहीं आता क्या ज़रूरत है इसकी इस इख्तलाफ को छेड़ने की क्या ज़रूरत है भाई ज़रूरत है ज़रूरत है ये हम ना आ लें कि हम इसको आगे चलाते नहीं हैं मैं अपने बात करूँ मैं ना आ लूँ कि मैं इसको आगे नहीं चलाता मैं आगे अपने साथियों को बताता नहीं हूँ ये मेरी कमज़ोरी है मुझे मानना चाहिए तो इसीलिए ये बात याद रखें कि वो कोशिश ये करते हैं कि इनको किस तरह इनको ये और की से होता है ना। जब इनके अकाबिर मानते तो ये क्यों नहीं मानते इसलिए दूर तो इसे पहचान यह होगी इनके खिलाफ कर दो ये लोग इमाम के पीछे किरात करते हैं वो करते हैं हम नहीं करते तो इसमें जुदा जुदा हो गए भाई वो कहते भाई हम गैर मुकरद कहते हैं हम तो इमाम के पीछे जो अलमत पढ़ते हैं फातह पढ़ते ये लोग हनफी नहीं पढ़ते भाई दोनों बातें जुदा हो गई ना हम आठ रखा तरवी पढ़ते वो बीस पढ़ते जुदा हो गया तो इसी तरह इस मसले में उन्होंने जुदा कैसे होना था बहुत कोशिश के बावजूद बहुत कोशिश कर 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 करके आखिर यहाँ पहुँचे कि उन्होंने कहा कि इस मसले को कैसे तैयार करें फिर इनके हाल ही में एक किताब तैयार हुई है अब्दुलरहमान साहब ने तैयार की है जो गैर मुखलिद हैं उन्होंने सफा नंबर चौदह पे लिखा है सुन्नत रसूल फिर सुन, सफा नंबर तेईस पे लिखते हैं कि इस मसाले में वो सतह सर न, आ, सर ढां भी सुनत है और न ढांकना भी सुनत पहली बात सफा नंबर चौदह पे कहा ढांकना ना ढांकना सुन्नत है फिर कहता है दोनों सुन्नत है ढांके तब भी सुन्नत ना तो फिर उससे पूछा कि किताब लिखने की जरूरत क्या थी जब यही बात कहनी थी तो इसको जरूरत क्या थी यह मौकूफ तो हम भी कहते अगर किसी बंदे ने देखो बात समझना अगर किसी बंदे ने किसी वजह से उसके पास कपड़ा नहीं था कोई मजबूरी थी कोई उजुर था और उसके सर पे टोपी वगैरह नहीं थी तो नमाज पढ़ी लगे सर तो गुंजाइश है भाई उसके पास कुछ शायद हाँ ही उसने पढ़ी तो उसमें गुंजाइश तो है बाकी सुस्ती की वजह से काहिरी की वजह से उसने की तो फिर हम भी कहते हैं कि खिलाफ अदब खिलाफ सुन्नत है मकरू है नापसंदीदाए फिर तो हम भी कहते हैं कि सुस्ती और काहरी की वजह से और इनके लोग मैंने अपने आँखों से देखे हैं जब कपड़ा लेंगे ना मैंने अपने आंखों से ऐसे लोगों को भी देखा है कपड़ा पहनेंगे ना सूट के मुताबिक टोपी पहनते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए और जब वही लोग मस्जिद में जा रहे होते हैं ना उस टोपी घर पे छोड़ के फिर जा रहे होते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह के सामने आता है बंदा और अल्लाह के सामने या बनी आदम खुदू जीना तक मुहिंद कुल मस्जिद इस आयत की तफसीर आगे आ रही है इला, अलामा इबन तैमिया हमबली रहमत फरमाते हैं ये दो ये ए, उन्होंने वो फरमाते हैं ये दो बातें बाते अलग अलग हैं एक है सतर औरत कि अपनी औरत को यह अपनी सतर को छुपाना अब जब बंदा सतर को छुपाता है तो ये मसला अलग है यह मसला इसमें दाखिल नहीं है और खुद वीनतक इसमें जो जीनत का लफ्ज़ आया है कि लिबास अच्छा पहन कर जाओ इससे मुराद टोपी है खुद हमली मजहब भी यही तशरी की गई है कि इससे मुराद जो है सर को ढांप लाए तो अब हम देखें कि उन्होंने मुखालफत सिर्फ इस वजह से नहीं की कि उनके पास जलाए ले अब मैं एक बात यहाँ से और भी आपको और सामने अर्ज करूँ कि जब बंदा उनकी बहकावे में आ जाता है ना गैर मुकर्दों में वो दो वजह से होता है या तो वो धोखे की वजह से आता है गैर मुकरद बनता है या वो बोग्ज़ और इनाद लालच की वजह से बनता है या धोखा होता है या लालच जब बंदा धोखे में आ जाए उसको आप प्यार और महब्बत से दलील दें समझाए वो इन शह समझ जाता है और अगर वह आया है लालच में आप उसको मस्जिद सर पर रखते हैं आसमान सर पर रखते हैं तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है क्यों वो लालच की वजह से आया है जो बंदा लालच की वजह से आता है वो फंसता है दुनिया में भी आखरत में भी और उसको हिदायत बहुत मुश्किल से मिलती है सिर्फ इसी वजह से जो लालच होती है ना ये बुरी भला है बोग क्योंकि जब लालच आ जाती है फिर उसको कोशिश करते हैं बोग्स भरते हैं दिल से नफ़र जो मोहब्बत जो है उलमा की तलबा की नेक सालियों नेक लोगों की सालियों की इन सब की मोहब्बत से उसको ख़ाली कर देते हैं हत्या कि सहाबा की मोहब्बत चली जाती है और जो है अम्बिया की मोहब्बत भी चली जाती है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो लालच की वजह से आए और उनकी कोशिश चलती रही चलती रही उनके दिल में बुग्स चलता रहा हती कि वो दिल बोग से भर गई अल्लाह अकबर हज़ूर अक्रम सलीसम के सामने एक साहब ही आ रहे थे ना वज़ू फरमा कर तोू ने फरमाया जन्नति आ रहा है फिर दूसरे दिन आया फिर हजूर ने फरमाया जन्नत आया फिर तीसरे दिन आया फिर हजूर ने फरमाया जन्नत एक साहबी उठे उन्होंने उनके क्या बात है इसका कौन सा ऐसा अमर है कि हजूर बार बार फरमाए कि जन्नति वो साहबी उसके घर पर गए उनके पीछे गए उनके कहा कि मैं जो कुछ मसला है मैं आपके पास रहना चाहता हूँ वो तीन दिन ठहरे तीन दिन तक देखता तीन रातें ठहरे उनके पास देखा कि इसका अमल क्या है देखा इसके अमल तो वही है जो ख़ास होते हैं यानी जो आम होते हैं वजू नमाज निम, रोज़ा वगैरह कोई ख़ास अमल उनको नज़र नहीं आया फिर जब वो वापसी आ रहे थे उन्होंने इजाज़त ली कहते असल में आया था कि हुजूर ने फरमाया था आपके बारे में कि आप जन्नती हैं तो मैं देख रहा था आपका कौन सा ऐसा अमल है कि मैं देखूं आता के पता चले कि ये कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपको हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी है तो उन्होंने फरमाया मेरे तो ये मसाले है कोई मैं तो यही अमाल करता हूँ जो आप कहते कोई ख़ास अमल नहीं फिर वो जा रहा था तो उस साहबी ने दोबारा उसको बुलाया कहता हाँ मेरे दिल में एक मेरे पास एक अमल है वो ये है कि मेरे दिल में किसी के बारे में कोई कीना नहीं है कोई तो बग्स नहीं है ये एक अमल ऐसा था जिसकी वजह से उन्हें अब देखो कितनी बड़ी कितना बड़ा अमल है और हमारे दिलों से जब ये निकल जाता है और हमारे अच्छे भले लोग भी कहते हैं छोड़ो क्या देवबंदी की तुमने रट लगाई हुई है क्या देवबंदी की रट लगाई लाखे ऐसी नहीं है अब देवबंद सिर्फ इलाइका का नाम ही नाम नहीं है अब देवबंद पहचान का नाम है कि देवबंद किसको कहते हैं उस सारे मोहरम फरमाते ना जो दीन के अंदर न कमी करता है न ज्यादती करता है उस साले मोहतरम का मतलब मुतकलम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्बन हाफल्ला तुम हमारे मुर्शि हैं उन्हीं के बारे में अर्ज कर रहा हूं जो दीन के अंदर न कमी करता हो ना ज्यादा ही करता हूं अब हम देखें कि हमारे मौकुफ़ में हमेशा आपको दरमियानी चीज़ नजर आएगी हम दरमियान पर रोते हैं न कमी की कोशिश करते हैं न ज्यादती की बल्कि जो दीन मिला है उसी पर अमल की कोशिश करते <ख़ाँ> तो बहरहाल आप फाइल में देखें कि हम अहल सुन्नत वाल जमात का जो मौक़ है वह आपके सामने है अगर किसी मजबूरी की वजह से सर नंगा किया है तो उसमें गुंजाइश होती है और सुस्ती और काहली की वजह से किया है हमारे यहाँ भी ये है ये खिलाफ सुन्नत है खिलाफ अदब है और मकर व नापसंदीदा है ग़ैर दिन के अकाबर ने भी ये कहा है कि सर को ढांप कर नमाज पढ़नी चाहिए और बहरहाल ये जो अब्दुलरहमान है इसने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने तीन मौक़ को अपनाया है पहले सफ़र नंबर चौदह में लिखा है कि सर नंगा करके नमाज पढ़ना यह सुनत रसूल है फिर लिखता है सफर नंबर पंद्रह पे चाहिए यह था कि हनफी उलमा भी कभी कभी सर नंगा करके जमात कराया करें ताकि लोगों की लोगों को इस सुन्नत का मालूम हो जाए और फिर तीसरी जगह लिखता है सफर नंबर तेईस पे इस मसले में वत है कि सर ढाक कर भी नमाज पढ़ सकता है और न ढाकना यह भी है ढांकना यह भी सुन है अब मुझे समझ में नहीं आती शायद अजीब बंदा है उसको वो होते ना कि जब बहुस की वजह से बंदा आगे निकल जाए तो फिर अकल भी काम करना छोड़ देती है अब उसको ये पता नहीं चला कि मैं लिख क्या रहा हूँ मैं तो साथियों को यह कहता हूँ कि अल्लाह ने बातिल को ऐसे फंसा है कि उनकी जबान में जब भी कुछ कहा है वो फंसा ही अपनी ज़बान में वो चाहे बरेवियत हो गैर मुखल हो कादानियत हो शत किसी भी बातें अहल बातिल में से हो वो अपने जबानों में ही फंसे अपने किताबों में ही फंसे इसीलिए बाकी मौजूद पर तो अलहमदिल्ला आपके साथ सबक पढ़ा रहे हैं तो उसमें बातें आ रही हैं तो पेरिस हमारी दलील क्या है या बनी आदम ख़ुदी तक इंदक मस्जिद इस आयत के तब से सूरत आयत नंबर इकतीस के अंदर मौजूद है और अलामा अब तयम रहा जो हम्बली हैं वो फरमाते हैं कि इसमें दो चीज़ें अलग अलग है एक है सतर का छुपाना और एक है सर को आ, एक है कि जीनत के को करना ये जीनत अख्तियार करना ये मुराद इससे है न कि मुराद ये है कि हम सतर को छुपाएं ये तो वैसे ही फ़र्ज है ये तो अगर किसी बंदे के पास कोई कपड़ा नहीं है सिर्फ सतर छुपाए तब भी नमाज हो जाएगी और ये हम्बली मज़हब के ख़ुद वो तफसर फरमाते हैं अबुल हसन अतमी रहमत फरमाते हैं अगर एक कपड़ा हो नमाज के लिए काफ़ी है और दो कपड़े हों तो बेहतर है और अगर चार कपड़ों में नमाज पढ़ी जाए तो ज़्यादा कामिल कामिल होगी नमाज और चार कपड़े क्या हैं कमी पाजामा पगड़ी और आ, आ, तहबंद ये चार कपड़े कमीस पाजामा पगड़ी और तहबंद ये चार कपड़े हैं चार कपड़ों से नमाज पढ़ी जाए खुद हम्बली मजहब ये फरमाते हैं कि इससे नमाज कामिल हो जाती है शेख़ुल शेख उम्मेख मोहम्मद जाहिद बिन अल हस, हसन ये एक वहम का शुभ बता रहे हैं कि बाज लोग कहते हैं कि ये आयत इसलिए है कि लोग नंगे होकर तवाफ़ करते थे कहतेल्ला का, का ये उसके लिए नाजिल हुई है जबकि ये बात ठीक नहीं है क्यों ये इस तम बात के जो बुनियादी असूल है उससे बात बहुत दूर है कि यह बात मानी जाए कि भाई ये सिर्फ उस काम के लिए है जो वो लोग नंगा होकर तवाफ़ करते थे ये उनको मना करने के लिए है हालांकि ऐसी बात नहीं है ये इसी पर है कि तो, ये जितने भी तमाम मसाले के जितने भी हम्बली हों शाफ़ी हो, हनफी जितने भी हैं सब इसी को बात को मानते हैं कि सर को ढां कर नमाज पढ़नी चाहिए वो टोपी कमीज पाजामा वगैरह पगड़ी के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए सब इसी पर मुतफिक हैं इसलिए इस आयत को ख़ास कर देना कि जो ये उन लोगों के लिए जो लोग नंगा होकर तवाफ करते थे ये बात ठीक नहीं है और शेख मोहम्मद इब्न सालेह ये फरमाते हैं कि कुरान मजीद में जो आयत है या बनी आदम खुसूसन तकम इंडा कुल मस्जिद इससे कम से कम दर्जा जो ये है कि सतर को छुपाना और फजीलत में जब हम आप बात करें तो इससे मुराद मस्जिद زینت को अख्तियार करना है और زینت को अख्तियार करना है क्यों अब हम देखें कि बादशाहों के महल में किसी बड़े के सामने जाते हुए कोई बंदा अपना सर नंगा करना यह आर महसूस करता था आजकल तो रस्म हो गया और कुछ नहीं है वरना हम थोड़ा वक्त पहले भी देखें अगर किसी मर्द का भी सर नंगा होता था तो लोग उसको बुरा महसूस करते थे लोग उसको बुरा महसूस करते थे किसी ने यहां तक भी लिखा है कि सर नंगा करना यह नहूसत में शामिल है ये नहुसत में शामिल है वो किसी अल्लाह वाले का किसी बुजुर्ग ने मुझे आ, हमारे इलाके के उन्होंने वाक्य बताया कि किसी अल्लाह वाले से किसी ने कहा कि हमारे इलाके में कुछ लोग आए हैं अब ये देखो इस इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसमें नहुसत कितनी बन जाती है उसने कहा कि हमारे पास कुछ लोग नए आए हैं पड़ोस में और वो बहुत शरीर लोग हैं हम क्या करें और हम फंस गए उनसे तो उस अल्लाह वाले ने कहा ठीक है आप इसे जब इनके घर से यूँ गुजरना तो सर नंगा कर जाओ कहता है कि कुछ दिन ही गुजरे वो आपस में लड़के चले गए कहता हैं हम ये बात समझ नहीं हमने दोबारा अपने बड़े अल्लाह वाले से पूछा कि ये बात क्या थी उन्हें कहा सर नंगा करना इतना बड़ी ना हो सकती और ये बताओ जब बंदा सर ढांप कर न, निकलता है इतवार करो उससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि सर नंगा हो यह खूबसूरती नहीं है ये सिर्फ रस्म बन गई है हालांकि ऐसी बात नहीं है तो इसलिए यह भी वही फरमाते हैं कि सर को आ, किसी बंदा किसी बड़े के पास जाता है इसकी मिसाल आजकल यही है अगर आप किसी बड़े की महफिल में जाए और आपका मोबाइल बच जाए तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है अरे अकबर मैं अपने मुर्शिद के पास आया था और मोबाइल बच पड़ा मैं भूल गया इसको न, या नमाज में खड़ा होते हैं तो इसकी मिसाल भी ऐसी है देखो कि बंदा जब अल्लाह वाल जब किसी बड़े के सामने जाता है सर धाम कर जाए अल्लाह के सामने तो बतरी के ओलाए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने गुलाम हज़रत नाफि को देखा कि वह सर नंगा कर नंगे सर नमाज पढ़ रहे थे तो उनको बुलाया कर फरमाया कि आप ये पसंद करोगे कि लोगों के सामने आप नंगे सर जाओ कहता नहीं तो कहता फिर अल्लाह के सामने आप कैसे आए अल्लाह के दरबार में आप आए और सर नंगा तो मालूम हुआ कि ये बात ठीक नहीं है कि सर नंगा करके बंदा जाए और गैर मुकाले जनाब नज़ीर हुसैन दहलवी दहलवी जो है वो भी ये फरमाते हैं इस आयत की तफसीर या बनी आदम ख़ुदो जीनतकुम इंद कुल मस्जिद से साबित होता कि टोपी और इमामा से नमाज पढ़ना ओला है क्योंकि लिबास से जीनत है अगर अमामा या टोपी रहते हुए सुस्ती की वजह से सर नंगा करके नमाज पढ़ी तो ये मकरू है अब इनके खुद बड़े लिखते हैं जब यह मकरू है और तब भी इसको इन लोगों को समझ में नहीं आती क्यों इनके यहाँ यह होता है जब बंदा जिंदा हो तो ये बहुत बड़ा होता है जब फोत हो जाए कहते हमने कोई इसकी तकलीद की है जब जिंदा था तो कहते हैं बस हमारा शेख उल्कुल फिलकुल यही है जब फोत हो जाए कहते हमने कोई इसका कलमा पड़ा था हमने कोई इसकी तकलीद की थी आप बताओ वो मुझ गया ये दूसरा नया गया एक शैतान गया दूसरा नया शैतान आ गया इनके यहाँ यही होता है कभी भी आप ये नहीं देखोगे वो ये कहते कि हमारे बड़ों ने हमने हमारे हमें ये सिखाया है कभी नहीं कहो उन्होंने हमें इससे कह के हम ये करते हम ये करते हैं मैं ये करता मैंने एक किताब लिखी और उनमें अक्सर आप देखोगे डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनर जो अकल से खाली होते वो आकर शुरू करते काम कभी इनके किताब पर आपने आलिम बहुत कम देखा होगा बहरहाल और एक मकाम पर गैर मुखालद जनाब नजीर हुसैन ये भी लिखते हैं कि कहाकमलिन ने अपने दरबार में हाजिर होने की नस्बत से यह हुक्म किया है कि या बनी आदम खुदी तक मस्जिद यानी तुम लोग हर नमाज के वक़्त अपने कपड़े ले लिया करो यानी कपड़े पहनकर नमाज पढ़ा करो और कपड़े में इमामा भी दाखिल है क्योंकि अमामा ये एक मसनून कपड़ा है खुद इनके बड़े लिखते और एक जगह इनका गैर मुखद और हैं अबैदुल्ल खान आफीफ वो लिखते हैं याबन आदम याबन आदमकुम लिबासमरिशा व लिबास तकवा एक नंबर एक आयत ये और एक यात इन तक मस्जिद कहते इन दोनों आयतों से जो लिबास जीनत का लिबास है इस पूरे लिबास से मतलब यही है कि इसमें तीन कपड़े हैं वो पगड़ी तैबंद और कमीस ये पूरा लिबास है कोई बंदा कुछ भी मुराद ले कहता है इससे मुराद पूरा लिबास है और पूरा लिबास तीन चीज़ें हैं कि वो पगड़ी है तहबंद है और कमी से यह पूरा लिबास है हमारी दूसरी दलील पहली दलील या या तो याबनी बनी आदम खुदी इंदकुलमस्सीद दूसरी दलील हवाल बिन हजुर रजील्ला की रिवायत है वो फरमाते रोयतन ननबी सल अल्लाम वसाब हो व फरमाते कि मैं हजूर अकरम सल्लाम को मैंने देखा कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और सर्दी का मौसम था मैंने देखा कि वो टोपियाँ पहने हुए थे और चादरें ओढ़ी हुई थी और उनके हाथ उसके अंदर थे और मैंने उनको इस हाल में देखा तो ये नमाज पढ़ रहे थे और इस चादर के अंदर हाथ होना सर्दी के मौसम में और सर पे टोपियाँ पहनी हुई इस हदीस में ये जिक्र है जो हजरत वायल बिन हजर रजील्ला मुसाफिर साहबी थे तो वह भी ये फरमाते हैं दलील नंबर तीन हजरत फलतान बिन आसिम अब आप ये कहेंगे आयतुलनबी यह पहली हदीस भी देखी आपने अब दूसरी तीसरी दलील जो हमारी ये देखा जाता था, था फल्तान बिन आसिम की इसमें अतीतबी सरात यूसल्लून इसमें यूसल्ल का लफ्ज़ ऊपर वाली में नहीं था अगर कोई बंदा यह भी एतराज़ कर सकता है से ऊपर वाली आपकी दलील नहीं बच सकती उसमें नमाज का लफ्ज़ नहीं था तो मालूम है कि दोनों का खुलासा एक ही था दोनों का खुलासा एक ही है वो भी फरमाते मैंने हजूर को देखा और ये भी फरमाते हमने अलैहि वसल्लम और साहबा को देखा कि वो चादरें ओढ़े हुए और टोपियाँ पहने हुए नमाज पढ़ रहे थे उनके हाथ सर्दी की वजह से चादरों के अंदर थे दलील के बावजूद भी अगर न माने तो उसको आप और हम समझा नहीं सकते दलील नंबर चार हरत मालिक रजी अल्लाह से रिवायत शुमारी में व फरमाते काना रसूल स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सर मुबार्क पर कसरत से तेल लगा करते थे और दाढ़ी मुबारक में कसरत से कंगा किया करते थे और सर पर कसरत से कपड़ा ओढ़ा रखते थे यहाँ तक कि आपका वो कपड़ा ऐसा महसूस होता था गोया कि तेली का कपड़ा वो जो तेल के अंदर काम करने वाले होते हैं उनका कपड़ा बिल्कुल तेल में गीला हो जाता है तो फरमा इसी की तरह कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल कसरत से लगाया करते थे अब देखो जब तेल लगाया करते थे आगे एक हदीस देख ले दली नंबर पाँच हरत अनस मालिक अल्लाह रसल्ला से भी ये है तारीख बगदाद में वो फरमाते हैं कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को की के साथ सर ढांपते हुए नहीं देखा था कि आपका रुमाल तेली के रुमाल की तरह लगता था अब बार बार इसका जिक्र आके हुजूर तेल लगाया फरमाया करते थे अब दलील नंबर छः के अंदर भी है काना अलैहि वसल्लम वसलम किना के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर कसरत से रुमाल ओढ़ कर रखते थे और शरम बारकबार कसरत से तेल लगा करते थे और अपनी दाढ़ी को पानी से साफ रहा करते थे इससे मालूम होता है कि हुजूर के तीन काम मुस्तकिल थे वो जो सर पे कपड़ा रखते थे ये तेल की वजह से नहीं रखते थे एक कोई एक बंदा ये आपसे कह सकता है हुजूर तो सर पे कपड़ा इसलिए रखते हैं कि तेल लगाते लगाया करते थे इस वजह से हालांकि नहीं कि आपने इन आदिस में देखा कि ये हुजूर के काम मुस्तकिल थे तीन काम नंबर एक जो हुजूर हमेशा सर ढांक कर रखते थे नंबर दो तेल लगाना नंबर तीन दाढ़ी को साफ रखना ये तीन काम हुजूर की जिंदगी के मुस्तकिल थे हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल करते थे तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इस पर अमल करें और अगर कभी बात करने की ज़रूरत पड़ जाए अगर कोई सा बंदा हो उनको समझाएं और हमारे ये जो जुम्मे में लोग आते हैं उनसे दरख्वास्त भी की जाए कि सर नंगा करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है हजूर का सुन्नत ये नहीं है क्यों दीन हमारे अकल के तब नहीं है कि जैसे हम कहें वैसे हो जाए ऐसे नहीं है अब देखो हम सर नंगा करेंगे हुजूर की सुन्नत के खिलाफ वर्जी होगी बड़ा मेहरबानी तमाम साथी कोशिश करें कि सर पे कपड़ा ओढ़ कर रखें ताकि नमाज मुकम्मल हो जाए तो इन शेतमाम फरमाया करते हैं तो मैं ऐसा रहा था कि इन दलाइल से मालूम हुआ कि हुजूर हजूर अक्रमल्लम हमेशा सर पे क्या फरमाते थे टोपी और टोपी रखते थे कपड़ा रखते थे हज़रत अली रजी अल्लाह फरमाते हैं जब तुम में से कोई एक निवास पढ़े तो अपनी पेशानी से पगड़ी को हटाकर पगड़ी को हटाया करे अपनी पेशानी से पगड़ी को हटाया करे अब मालूम हुआ कि हरत अली रसी तलफा राशिदीन में से हैरत चौथे खलीफा है वो भी ये फरमाते हैं इससे मालूम हो कद पगड़ी को हटा कर फिर सेदा करें इससे भी मालूम हुआ कि हजूर अकरम सल व्म के, के दौर से पगड़ी का अहतमाम था हरत अबादा बिन शामिस से वो फरमाते हैं वो फरमाते जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपनी पेशानी से पगड़ी को हटा लेते उबादा बिन बिल्स जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपनी पेशानी से जो है पगड़ी को हटा लेते तो इससे भी मालूम हुआ कि पगड़ी सर को ढांप कर नमाज़ पढ़ना ये साबित है और इसी तरह दलील नंबर नौ इमाम बुखारी रहमत इमाम बुखारी रमत का नाम तो लेते हैं बल्कि उनकी बात नहीं मानते मुझे उम्मीद है मुजुमद किसी उस्ताद ने आपको इस पर सबक पढ़ाया होगा कि इमाम बुखारी रमत रहमत लैर मुखलदीन इनका मौक़ो कभी भी इमाम बखर रैर मुखलदीन की जो है तइज नहीं फरमाई क्योंकि वो आ, वो उनके मसल के थे नहीं क्योंकि गैर मुखलद जो है गैर मुखद ये किसी की भी तकली नहीं करते तो हम अहल सुन्नत जो कहलाते हैं हमारे अंदर तो चारों दाखिले वो चाहे हनफ़ी हों बालकी हों शाफ़े हों ये चारों मजहब जो है हमारे अहल सुन्नत वाली जमात में शामिल है ये इससे शामिल नहीं है उसकी वजह ये किसी की तकलीद नहीं करते तो इसीलिए हम कहते हैं अगर शवाफ रफे दिन करते हैं उनका जायजा इनका जायजा इसलिए लेकिन ये तकलीद की वजह से नहीं करते ये बोस और इनात की वजह से किसी अदी इसके मसला ये होता है कि ये कोशिश ये करते हैं कोई एक हदीस मिल जाए बस वो सही हो गलत हो कैसी हो ये अपनी जगह कोई एक हदीस हमारे सामने आ जाए जिसमें हनफियों की मुखालफत हो उसको पकड़ कर हमने अपना मसला खुद ही साबित कर अल्लाह ताली समझने की तोफ़ी कता फ़रमाए तो इमाम बुखारी रहमत फरमाते हैं सही अपनी बुखारी के अंदर कि हज़रत हसन बसरी रहमत फरमाते हैं कौम यानि साहबा क्राम ज़मीन गर्म होने की वजह से जब सजदा करते थे तो हमारा अमामा और टोपी पर सजदा करते थे इस वजह से कि हमारी तरह उनके पास इस तरह सहूलियत मौजूद नहीं थी उस वक़्त तो इस वजह से ज़मीन गर्म होती थी तो अपनी टोपी वगैरह पर भी सजदा करते थे ज़मीन गर्म होने की वजह से मुसनफिन शैबा में है इमाम हसन बसरी रम्म से रिवायत है कि हजरत सल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह अजमैन नमाज़ में सदा करते थे तो उनके हाथ कपड़ों में होते और उनमें से कोई आदमी अपनी टोपी और पगड़ी पर सदा करता था और उसकी वजह ये जो पर जिक्र हुई है कि सर जमीन के गर्म होने की वजह से टोपी और अपनी पगड़ी पर सदा करते थे तकलीफ से बचने के लिए दलील नंबर दस हरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने हरत असमद को देखा कि वो अपनी चादर के साथ जुड़ी हुई टोपी में नमाज़ पढ़ रहे थे और सजदा भी उसी में कर रहे थे और मैंने अब्दुलरमान बिन यजीद को शामी लंबी टोपी में नमाज पढ़ते हुए और सजदा करते हुए देखा अब देखो दस दलीलें आ गई हैं सिर्फ इस बात पर कि सर को ढांपना चाहिए अब दस दस दलाल के बावजूद भी अगर वो न माने तो उनको कौन समझाए ए, इन गैर मुखालदों का आपस में भी बहुत सारा इख्तलाफ होता है ना तो वो बस कहते हैं कि करना चाहिए काम वो बस कहते नहीं करना चाहिए हमारे इलाके में एक मस्जिद है उनका आए दिन लड़ाई होती है कई मरतबा उनकी मस्जिद पर पुलिस वगैरह खड़ी हुई है मस्जिद बंद रही है कई दिन अब इस वक्त इलाके वालों ने फैसला किया रोज़ बरोज़ एक ही मस्जिद उनकी चंद लोग नमाजी हैं और वो फैसला किया अलिया ने और एस एच ओ वगैरह ने कि भाई क्या करना चाहिए मसला कैसे हलो फिर हमारे देवबंदी हज़रा को उन्होंने कमेटी में शामिल किया है उसके बाद उनकी मस्जिद अब जाके खुली है तो इनके रोज आए दिन लड़ाई वो कहते जमातुल दावा ना है वो कहते गुरब आलादीस ना आए तो बहरहाल इनके आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं तो ए, ये बात याद रखें आप अपने इलाके में काम कैसे करेंगे उसको जेहन में रखें कि हमने फ़ौरन से फट से फतव जो ना अपने मसले को आगे नहीं फैलाना हम ये कोशिश करें सबसे पहले उनको नहीं हम अपने साथियों को अपना मसला बता दें अपने साथियों को अपना मसला बता के हमारा मसला क्या है हम सर ढांपते हैं उस पर यह ये ये दलाइल है जब आपका मुक्तदी आपके इलाके का बंदा जब किसी और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने जाएगा वह खुद ब खुद उनको देख कर बुरा महसूस करेगा हमारे पास एक साथी वहाँ इलाके में आता है वो बेचारा बुढ़ा आदमी है तो वो उनके बच्चे उन गैर मुकदों के पीछे नमाज पढ़ते हैं वो खुद अभी की बातें मुझे कह रहा था कि अजीब लोग हैं दाढ़ी इतनी बड़ी और सर नंगा इनको शर्म नहीं आती खुद कह रहे हैं अजीब देखो उनके बेटे उनके पास पीछे नमाज पढ़ते है। वो खुद कह रहे हैं इतनी बड़ी दाढ़ी ये लोग नंगे सर नमाज पढ़ते कैसे इनको उस बूढ़े के ऊपर सर पे हमेशा रुमाल का पटका बंदा होता है रुमाल से सर को ढांपा होता है कहते हैं इनको कैसे अजीब लोग इतनी बड़ी दाढ़ी और सर नंगा अजीब लगते हैं मस्जिद में मैंने कहा देखो अल्लाह ने कैसे लोगों को सुन्नत का अहमाम बता दिया है ये बड़ी उम्र वाला भी ये कहता है कि ये बात गलत है और खुद अकर भी ये कहती है कैसी गंदी बात है इसलिए अगर वो करे वो भी गलत है अगर हम में से कोई बंदा खाम का सर नंगा करते नंगा करके घूमता रहे ये बात भी गलत है तो इसलिए हमें चाहिए सर को ढाम कर रखें और सुन्नत का अहतमाम फरमा करें अब मज़ाहब अरबा के हवाला जात हनफी मसला के मुतालिक कुछ बातें ये हैं कि मजब यह है कि खूबसूरत कपड़ों में नमाज़ अदा की जाए यानी क़मीज़ ताबन और पगड़ी खूबसूरत लिबास है इसके अंदर नमाज अदा की जाए अगर सर ढांपने के लिए कपड़ा मौजूद हो उसके बावजूद उसे महज़ अहमियत न देते हुए नंगे सर नमाज पढ़े तो ये मकरू है हमारे यहाँ खाम खा उसने सर नंगा किया है कोई वजह भी नहीं है तो ये मकरू है इससे बचना चाहिए अब हमारे जो साथी सर नंगा करते हैं तो उसको हमें समझाना चाहिए भाई सर नमाज मकरू हो जाती है सुन्नत के खिलाफ है तो इन श्ला मान जाते हैं मजहब मालिकी के अंदर है कि मर्द के हक में सुन्नत यह है कि वह शराही तरीक़े के, के मुताबिक अपने जिसम को ढांपे और अल्लाह के अहकाम की बजावरी के पेश नज़र यही बात मतलूब है फिर बयान करदा तरीके के मुताबिक पगड़ी बाँध कर सर को ढांपा ढांपा जाए जैसा कि इसका तस्करा पहले हो चुका है मालूम हुआ कि इमाम मालिक रमत माल की मजहब के अंदर भी यही है कि सर को ढांप कर नमाज पढ़ी जाए मज़ब शाफ़ी के अंदर भी यही है कि हज़रत शवाफ़ कहते हैं कि आदमी को जो खूबसूरत लिबास मैसर हो वो पहन कर नमाज पढ़े कमीस भी कमीस भी पहने और पगड़ी भी बांधे तो शवाफे भी ये कहते हैं पगड़ी बांधे इसलिए हम कहते हैं हम अहल सुनत वाली जमात में चारों मसाइ ये हैं कि सर को ढां कर नमाज पढ़नी चाहिए एक शबह आगे आएगा तो भाई वो एक शुभ ये भी देते हैं कि भाई तवाफ़ जब हम करने जाते हैं और हरम के अंदर तो उस वक्त जो सर नंगा होता है उस सर नंगा करना ये जो है ज़्यादा खुशु और खुशू के करीब है इसलिए हम सर नंगा करते हैं क्योंकि भाई हरम में जब जाते हैं वह हज उमरे में यह हुक्म होता है कि आपने सर नंगा करना है और ये खुशू की अलामत है इसलिए हम सर नंगा करते हैं भाई ये आपका शुभा ठीक नहीं है क्यों अगर आप कहते हैं ये शुभ ठीक है और ये इसी वजह से हम करते हैं ये खुशु के ज़्यादा करीब है एक बात ये कि हम कहते हैं अल्लादीनफी सलात इम खाशन इस आयत की तफसीर खुशु और खुजू की नमाज़ पढ़नी है तो फिर इस आयत की तफसीर ये है कि नमाज में रफेदे नहीं करनी चाहिए आपने इस सबक़ पढ़ा होगा ना तो इस पर नमाज में रफे नहीं करनी चाहिए खुशी और खुजू ये तो वहाँ बात आप क्यों नहीं मानते और यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई खुशू और खुजू ये है कि हम सरनंगा कर नमाज़ पढ़ें ये इसमें ज़्यादा खुश और खजू है जबकि बात ठीक नहीं है अगर सर नंगे करने में ज़्यादा खुश हुए तो रफ़न को छोड़ने में, खुशु है में भी ज़्यादा खुश हुए हैं ना उसमें भी वहाँ पर अल्लाह अल्लाद्न रफी सलाखाशन ये बात नहीं मानते नंबर दो वहाँ जो ये शरीय का एक असूल बताया गया है और वो शरीत के अरकान में से है और यहाँ पर यह नहीं है वो तो एक ख़ास इबादत है उसके लिए ख़ास हुक्म दिया गया है और यह नमाज में यह हुक्म थोड़ी दिया गया है ख़ास इसीलिए बात समझ में गई इसकी तफसील आपके इस फाइल में मौजूद है मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा इशारा कर दिया कि ये शुभा भी पेश करते हैं इसकी तफसील भी आपके इस फाइल में मौजूद है कहीं ना होकर टाइम पूरा हो जाए ये बात रह जाए और हमबली मजहब मजहब के अंदर भी यही है वो फरमाते हैं आजाद गुलाम के लिए दो कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मुसब है और बस उलमा ने इस पर इस पर इजमा नकल किया है अब इब तमीम इबन तमीम वगैरह ने कहा है कि पगड़ी के साथ सर को छुपाने के अलावा दो कपड़े मुराद हैं अब सर को छुपाने के अलावा दो कपड़े मुराद हैं मालूम हुआ कि उनके यहाँ भी सर ढाप कर नमाज पढ़नी चाहिए गैरम कलिदिन के अकाबिर की तस्यात सफ़ा नंबर छः पे सैद नज़ीर हुसैन दिलवी रवी जो हैं वो अपने किताब उन्होंने लिखा है कि इसमें कलाम नहीं कि अमामा के साथ नमाज पढ़ना अफजर है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और उनके बाद आम तौर पर अमाम की मौजूदगी में अमाम के साथ नमाज़ पढ़ते थे इमाम मालिक रहमत लरमाते हैं कि मैंने वसल्लम की मस्जिद में सत्तर के करीब आदमी देखे जिन्होंने सर पर पगड़िया बांध बांध रखी थी और उनमें से एक इस दर्जे का आदमी था कि अगर इस बैतुल उससे इस बैतुलमाल उसे बैतुलमाल पर अमीन बनाया जाए तो अमीन साबित होगा ने यह भी लिखा है कि नमाज अमामा के साथ मुस्तब और अफजल है कहते कि मैं सत्तर सहाबा को देखा कि उस सर जो पगड़ी के साथ बैठे हुए थे और इतने अमीन थे कि अगर बैतलमाल पर उनको अमीन बनाया जाए तो वो अमीन साबित हो सकते हैं कि इतने बड़े काबिल बंदे थे जिनके सर ढांपे हुए थे पगड़ियों के साथ यह सैद नज़ीर हुसैन दलवी लिखते हैं और इसके अलावा आगे लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमामा जो है ये ज़्यादा सुकूनत और वकार के हैं इससे बंदा ज़्यादा वक़ार से लगता है और खूबसूरत लगता है मैं तो खुद कहता हूँ तलबा से, से कोशिश क्या करें कि पगड़ी बांधा करें इससे बंदा अच्छा तरह लगता है कि वाकई बंदा आलिम है और इसका अहतमाम अगर मैं और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसका अहतमाम फरमाएंगे इन शाला कोशिश करें कि सर पर पगड़ी हो अपने इलाके में नवास के वक़्त यह ना सोचें खैर है कोई मसल नहीं आप अगर इतमाम नहीं करेंगे क्यों लोग कहते हैं यार आपका आलिम है वो पगड़ी नहीं बांधता क्यों उसने इमामा बांधने के फजाइल सुने हुए होते ना तो कि इमामा के साथ नवाज़ पढ़ने के कितने फजाइल हैं वो कहते यार ये आलिम है तो ये पगड़ी क्यों नहीं बांधता इसलिए कि इसका कोशिश करें कि हर साथी कोशिश करें कि अपने सर पर पगड़ी रखा करें अगर और ये ऐसी सुनत है जिससे जो बािल है ना वो दबदबे में आ जाता है कहता है जो लोग बड़े वक़ार के साथ खड़े मलाफजरम्मा से क्यों डरते हैं उसके कोई हथियार है कोई और चीज़ है उस जी गम्म साहब से क्यों डरते हैं वो जब पगड़ी बांध के जब उतरते ना मैदान में फिर उनको पता चलता है कि को कोई शेर आया है अलहमदिल्ला हमारे हम सफ़र में थे एक बंदा आया एक आज से सलाम किया हम बैठे थे एक आज से सलाम किया जब उस्ताद जी ने उसको दलाल समझाए हम ऐसे कमरे में बैठे हो जाए ना उस जी ने उसको दलास समझाए अलहमदिल्ला जब उठा तो जब उठा तो दोनों हाथों से सलाम करके फिर गया इसी तरह कई मसाल हमारे इलाके में एक जगह गर्म गैरमकलों का बहुत जोर था लोग बहुत परेशान थे अलहमद लाला जी बयान फरमा रहे उस जी वहाँ कई सफ़र हुए दो तीन सफर हुए अब अलहमदिल्ला उस इलाके में वो खामोश हो गए एक मरतबा ऐसे ही हुआ कि उस जी बयान फरमा रहे थे बयान के दौरान उनकी आजान शुरू हुई उनकी आजान जब उनकी आजान शुरू हुई उस्ताद जी बयान में लगे रहे उस्ताद जी देख रहे थे कि अब साथियों को थोड़ा सा क्योंकि बिल्कुल करीब थी उनकी मस्जिद तब तो आवाज़ भी फुल आ रही थी उस्ताद जी अपने बयान में लगे जोश थे जब उनके बयान आजान पूरी हुई तो उसने फरमाया आप को मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं मौलवी कहते जब आजान हो तो खामोश हो जाओ और ये मोल खामोश नहीं होता भाई वक्त से पहले आसान आज़ान नहीं होती इस पे जिन लोगों ने जो सुबह अल्लाह कही और उस इलाके में अलहमदिल्ला बहुत अच्छा काम अभी चल रहा है और उस इलाक़े के अभी तीन चार साथी ऐसे हैं जो यहाँ के मुतस भी हैं तो मर्ज़ कर रहा था जब बंदा अपने वक़ार के साथ खड़ा होता है ना फिर बंदा लग, बंदा लगता है कि माशाल्लाह बहुत सुन्नत का एहतमाम वैसे भी सुन्नत का अपना रोब है तो इसका अहतमाम मैं करें और उस इलाके में जब उस जी ने यह जवाब दिया ना फिर और लोगों अल्हद ला और ज़्यादा खुश हो कि वाह बहरहाल ऐसे हमारे इलाक सूबह सिंध की कई कारगुजारियाँ हैं उस महतरम की कई कारगुजारियाँ जहाँ भी अलमदिल्ला बयान हुए लोग परेशान हुए उनकी परेशानी दूर हो गई कई अलहमदल भी कई हमारे सिंध के साथी ऐसे हैं जो मुतहसिस हैं यहाँ के तखस करके अपने इलाकों में काम कर रहे हैं और अलहमद ला बहुत अच्छे काम कर रहे ये तो सिर्फ मैं सिंध की कारगुजारी कर अब तो अलहमद लाला कोई ऐसा देहात नहीं है कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर उस्ताद उस्ताद मोहतरम के फैस को कोई उस्ताद मोहतरम का फे जो है फैसला पहुँचाओ कोई आलिम न भी हो हाफ न भी हो आम आदमी भी हो उसको भी ये पता होता है कि हमारा मौकुफ़ क्या अभी आपके इस अलमदुल्ला एक अभी तखसस हैं वो हमारे सिंध के बिल्कुल आखिरी इंडिया के बार्डर के करीब बैठे हुए हैं वो भी अलमदिल्ला अभी तखसस करें अब देखो उस मोहतरम कहा और उस बंदा को अल्लाह ने कहाँ से चुना और कहाँ पर पहुँची मालूम हुआ कि देखो अल्लाह ने हमें चुन कर यहाँ पहुँचाया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ले आगे जाएँ सिर्फ संद लेकर न जाए सिर्फ संद लेकर ना जाए कि हम बारह दिन आए सनद लेकर जाएं और गांव वाले खुश हो जाएंगे इलाके वाले खुश हो जाएंगे वालदे खुश होंगे माशा ये वहाँ संद लेके आया सनद नहीं ये इलम ले कर जाएँ दलाल ले कर जाएँ अपना मौक़ समझ कर जाएँ और अपने इलाके में जाकर इसका आगे काम फैलाएं उनको बताएं कि हमारा मौकुफ क्या है और ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम बातिल का नाम लेकर काम करें हम किसी का नाम लेकर काम करें हम यूँ भी काम कर सकते हैं कि हम अपनी मस्जिद में अपना मौकुफ़ मुस्बत अंदाज में बयान करें कि हमारा मौकुफ़ क्या है हमारा क़ीदा क्या है हम अपना बता दें बस विल को ना छेड़े जब आप अपना ही बता देंगे ना जब उसको कोई छेड़ने वाला आ भी जाएगा तो वो पहले ही कहेगा नहीं मेरे मोदी साहब ने यह कहा था मैं पहले उससे मालूम तो करूँ आप देखेंगे ना जिन लोगों पर मेहनत की हुई होते आप उनको दलील समझाते भाई सर ढां कर नमाज पढ़ना इस पर तो वाज बिन हजर की है अनस बिन मालिक की रिवायतें इस तरह की बहुत सी रिवायतें आप कैसे करते हो सर नंगा, नंगा करके नमाज पढ़ी जाए सुनना आप कैसे करते हो कहते हैं आपको पता है आपको कहा आप गलत कर रहे हो आप उसको दलील दलित नहीं 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 सर नंगा करके नमाज पढ़नी चाहिए क्यों वो बंदे पर मेहनत जो की होती है ना वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं पहले ही उसके जेन में डाल दिया गया सर नंगा करके नमाज पढ़े तो इसीलिए वो कहता है ठीक है वो अच्छा अगर वो दलील दे भी अच्छा मैं अपने आलिम से पूछूंगा मुझे हवाला दो मुझे किताब का बताओ मैं देख कर बताऊँगा अब जिस बंदे को तहारत का मसला नहीं आता जिसको ये पता नहीं कि तहारत कैसे तहारत का तरीका क्या है वो कहता है मैं देख कर बताऊँगा अब वो सही बुखारी उठेगा तो कैसे करेगा वो एक बंदा था ना तो या बनी आदम खुदा जीन तक इस आयत को तफसीर पढ़ रहा था तो उसने देखा कि जीनत के साथ जीनत को जीत के साथ नवाज़ पढ़ा करो लिखा था जीनत के साथ नवाज़ पढ़ो तो वह जब बंदा घर गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वो नमाज़ पे जा किसी ने पूछा ये क्या कहता भाई कुरान में लिखा हुआ है कि ज़ीनत के साथ नमाज़ पढ़ाओ उस भी घर की वाली का नाम जीनत था कहता जीनत के साथ नमाज पढ़ा करो वो 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 जब ज, ज, जट और जाहिल तफसीर करेंगे तो उसका मतलब यही निकलेगा कुछ और नहीं निकलेगा बहरहाल तो इसलिए हमने जीनत को साथ नहीं लेके टोपी को साथ पढ़ लिया ये समझे ना जी अल्लाह ताला हमें समझने की तोफ़ी क़ा फरमाए हम सबको अल्लाह बातिल के जो ढगोस रहे इससे बचाए एक आगे है सनाला अमर तरसी ये जो है सही मसरूम तरीक़े नमाज के अंदर लिखते हैं कि नमाज का वही तरीक़ा है जो आज वसल्लम से बिदाम साबित हुआ है ये बदन पर कपड़े और सर ढका हुआ और पगड़ी सर ढका हुआ हो पगड़ी से या टोपी से अब इनके बड़े हैं ये भी कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि सर को ढां कर नमाज पढ़नी चाहिए और सैयद मोहम्मद दाऊद गजनबी ये भी लिखते हैं कि अपने वालिद से वो कहते हैं कि अब्दुल जब्बार का वो अपने वालिद इमाम अब्दुल जब्बार का नंगे सर नमाज पढ़ने के ख़िलाफ़ फतवा नकल करके आखिर में अपनी राय का इज़हार यूँ करते हैं वो ये कहते हैं कि इब्तदा में अब ये जो बातें ना कि भाई जो एक आयत आगे इनकी आएगी इसी फाइल में मौजूद है वो कहते हैं कि एक रिवायत में है कि एक कपड़े के साथ हमने देखा कि नमाज पढ़ रहे थे अब एक कपड़ा उस वक्त तो कपड़े ही मौजूद नहीं थे इतने ज़्यादा वो उतनी कपड़े की कमी होती थी कि जिसकी वजह से वो एक कपड़े में नमाज पढ़ना भी अगर साबित भी हो तो वो इस वजह से था कि कपड़े एक था एक से ज़्यादा थे ही नहीं और हमारे यहाँ तो कितनी खूबसूरती है एक बंदे के पास बीस तीस हमारे एक साथी था हमने ऐसे मजाक में उसे पूछा नौजवान लड़का है मैंने कहा कितने जोड़े आपके कहता है इकतालीस जोड़े मेरे पास नौजवान कहते हैं इकतालीस जो अब जिसके पास इकतालीस जोड़े हों वो सर नंगा करके नमाज़ पढ़े तो ये मोछड़ों के ही नहीं है जो सुन्नत के ख़िलाफ़ कर ये मैं आपको अब मैं सही ही लतीफे के दौर कर हूँ जिसके बाद पास इतने कपड़े हों और उसके पास टोपी ना हो तो बेवक़ूफ़ी नहीं है तो इसीलिए इनके भी ये कहते हैं और फैशन वगैरह की वजह से अगर उसने फैशन वगैरह की वजह से उस अगर उसने सर नंगा किया है यह खुद कहते वो भी गलत है यह सुनत के खिलाफ है और अब्दुल मजीद वो भी लिखते हैं कि बतौर फैशन लापरवाही और तसब की बिना पर मुस्किल और अब्दुल आबाद के लिए नंगे सर पढ़ने वाली नमाज आदत बना लेना जैसा कि आजकल धल्ले से किया जा रहा है हमारे नज़दीक सही नहीं है नबी करीमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये अमल नहीं फरमाया अब ये इनके खुद कहते हैं फैशन की वजह से भी नहीं करें अगर फैशन की वजह से हो तब भी ग़लत है अगर सुसी के वजह से हो तब भी गलत है सुन्नत के खिलाफ है हमारे यहाँ भी उनके बड़ों के यहाँ भी इसलिए ये दलाई समझे कि हमारे यहाँ भी सरनगा नहीं करना उनके यहाँ भी निगाह नहीं करना तो मानते क्यों नहीं है इसकी मिसाल ऐसे ही है अब मैं मिसाल दूंगा शायद कोई नाराज भी हो जाए वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम को पाइप में डाला सौ साल के बाद निकाला वह से वैसे टेढ़ी आप सौ दलीलें दे हजार दे उन्हें कहा हमने नहीं मानना हमने नहीं माना वो बुजीश वाला वाकया सुना है ना आपने वो पगड़ बकरी को लेके जो गिरदान सुनाते थे वो कहते थे कहते तुझे फिर समझ में नहीं आया फिर शुरू हो जाते वो कहते आप कुछ भी कहते हमने नहीं मानना कुछ भी कहते सही बुखारी उठाएं अब देखा ये बात याद रखें उनसे कभी भी बात करना हो ना अपना मैदान छोटा ना करें हमारे दलाल कितने चार।, चार कौन कौन से किताबुल्ला इजमा क्या चार हो गए ना? हमारे साथ ही इसमें एक कमी कर जाते हैं कभी भी वो बात है। से उन्होंने कहा कि हदीस पेश करें उनसे कहो हदीस आप पेश करें हदीस पेश करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपकी जिम्मेदारी हम किताबुल्ला पेश करें तब भी हमारी दलील है हम सुन्नत रसोल्ला पेश करें तब भी हमारी दलील है अगर हम इजमा पेश करें तब भी हमारी दलील है अगर हम क्यास पेश करें तब भी हमारी दलील है तुम हदीस पेश करके दिखाओ उस मसले में इसलिए अपना मैदान छोटा ना क्या करें उनसे करें तुम बताओ उनके पास दलील नहीं होगी आपके पास तो फिर भी होगी इसलिए इस पे दिल जो ना आप कमी नहीं क्या करें उन्होंने ये कहा है नहीं नहीं उनको कभी हमारे मैदान वसी है हमारे चार दलाल हैं हम कहीं से दलील दें हमारी दलील होगी आपकी दलील तब होगी जब आप हदीस पेश करें जब आप हदीस वो हदीस पेश करेंगे ना देखो हदीस में लिखा हुआ है जब आप हदीस पेश करेंगे ना क्योंकि नहीं ये तो पहले का वो सही बुखारी में खड़े होकर पेशाब करने वाली आप कहते हैं हदीस में लिखा हुआ है बुखारी में भाई रफ़े दिन करने का ताल्लुक लिखा हुआ है मेरा हज़ुर ने रफ़े दिन किए थे ठीक है हम मानते तो सही बुखारी में मर्द औरत की नमाज़ में फ़र्क़ है ये भी सही बुखारी में आप क्यों नहीं मानते अब ये सही बुखारी छोड़ करके और चला जाएगा नहीं इसका मतलब ये कहते जब इसका मतलब यह है तो इस सही बुखारी में जो रफे दिन का है इसका मतलब यह है कि उसने पहले किए थे फिर छोड़ दिए करने का आदि ये है और छोड़ने का आदेश ये बात समझ में आ रही तो अल्लाह ताला हमें समझने की तोहफी का तफर में इनके एक दो शुभे भी देख लें सफ, सफा नंबर दस पर मौजूद है इनके कुछ शुभात वो कहते हैं गर्म कहते हैं कहते हैं कि अरबी में इस्तेमाल का मतलब यह होता है कि एक चादर बदन पर इस तरह लिपटी जाए कि दाएं तरफ का किनारा बाएं तरफ के कंधे पर ले जाकर गर्दन के पीछे से दोनों कोनों को बांधे बांध देते हैं इस सूरत में ज़रूर दोनों बाज़ू और सर भी नंगा रहेगा अब देखो इस अदीस का मतलब समझने के लिए एक और अदीस देखी जाएगी जो आपके फाल में भी मौजूद है वो फरमाते हैं कि सही मुस्लिम में कि मैंने आ, मैंने रसूल रसूल रसुल्लासलम को देखा कि आप एक कपड़े के दोनों किनारे अपने ऊपर उलट पलट किए हुए नमाज पढ़ रहे थे इस हदीस के लवज, लवज जो है तोशी। इसका माना यह भी है कि पूरे बदन को लंबे कपड़े से इस तरह ढांपा जाए कि सर पर भी कपड़ा आ जाए उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आजकल हम सर्दी में चादर ओढ़ते हैं अब देखो अगर चादर यहाँ रखें तो नीचे तक चली जाती है जिसमें ये कंधे भी डल जाते ढांक जाते और ये भी और इनकी जो मिसाल दे रहे हैं ना इनको जो धोखा लगाए वो ये लगाए जो अहराम में चादर पहनते वो समझता है इससे ये अल्लाह के ये मुराद नहीं है इनको धोखा वहाँ से लगाए और हमारे यहाँ अगर एक कपड़ा भी हो तब अगर सर पे रखें जैसे सर्दी का मौसम होता है तब भी पूरे दोनों कंधों पर भी आ जाता है सर भी ढांप जाता है इसमें गोर जैसे पीछे दलाल भी गुजरे ना कि सर्दी की वजह से उनके हाथ चादर के अंदर थे और टोपी पहनी हुई थी और बस मतलब हमारे यहाँ सर पर टोपी वगैरह होती है तो हम चादर को यूँ ओढ़ लेते हैं और अगर टोपी वगैरह होती है उसके बावजूद ज़्यादा सर्दी होती है पर इमामा नहीं होता तो हम यहाँ से उस चादर को रखते यूँ ओढ़ लेते तो इससे मुराद ये और एक दल इनका जो है और ये बात एक एक जवाब यह भी है ये बात बयान जवाज़ के लिए अगर किसी बंदे के पास कपड़ा मौजूद नहीं है खुदा न था वजू कर रहा था टोपी गिर गई और गीली हो गई या कोई किसी वजह से कहीं आ रहा था सफ़र में टोपी उड़ गई गिर गई या कहीं नहीं उठा सका या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ टोपी मौजूद नहीं है अगर उसने निवास पढ़ ली तो भी हो जाएगी ये बयान जवाज़ के लिए और तीसरा जवाब यह है कि मजबूरी की हालत थी उस वक़्त कपड़ों की किल्लत थी लोग गरीब थे चुनाज मुस्ंद अहमद में हरत अबैबिन काब रजी अल्लाह ताल से रिवायत है कि एक कपड़े में नमाज एक कपड़े में नमाज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ते थे, थे लेकिन उस वक़्त हम पर कोई भी अब न धरता था हरते इब्ने मसूद रजी अल्ल रजी अल्लाह तरमाते हैं कि ये इसलिए थका इस वक्त उस वक़्त कपड़ों की किल्लत थी लोग ग़रीब थे लेकिन आज के दौर में अल्लाह ने हमें वसत दी है तो नमाज दो कपड़ों में बेहतर है मालूम हुआ कि इस मसले का ताल्लुक सर ढांप कर नमाज पढ़ने सर ढांपने से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक वसत वसअत के साथ था उस वक्त उनके पास वसत नहीं थी इस वजह से और आज कल हमारे पास वसत है इसलिए हमें सर को ढांप कर नमाज पढ़नी चाहिए और चौथा जवाब यह है कि मुनासिब मालूम होता है कि खुद गैर मुखलद आलम से इस हदीस का मतलब बयान कर दिया जाए मुमकिन है कि घर की गवाही के सामने सर तस, सर तस्लीम खम हो जाए मौल मोहम्मद इस्माइल सल्फी लिखते हैं आजरत सल्ला वसलम साहबा के राम रजवानल्ला मजमीन और अहिल इलम का तरीका वही है जो अब तक मसाजन में मुतवारस और ममूल बिहा है कोई मरफो हदीस कोई मरफू हदी सही मेरी नज़र से नहीं गुजरी जिससे इस आदत का जवाब साबित हो खूस बाज़र में बल्कि आदत मुबारक यही थी कि पूरा लिबास पूरे लिबास से अफराद अदा फरमाते थे पूरे लिबास से नमाज अदा फरमाते थे आम ज़हन के लोगों को फिस वाहिदिन इस किस्म के अहदी से गलती लगी है कि एक कपड़े में नमाज अदा की जाए तो सर नंगा रहेगा हालांकि एक कपड़े को अगर पूरी तरह लिपटा जाए तो सर ढांका जा सकता है गज किसी आदि से भी बिलाज़ुर नंगे सर नमाज की आदत अख्तियार करना साबित नहीं महज बेमली या बदअमली या किसी वजह से ये रिवाज पड़ रहा है बल्कि जला तो उसे सुन्नत बल्कि जुहला तो उसे सुन्नत समझने लगे हैं फतवा हदीस भी यह लिखते हैं कि इसको जुहला सुन्नत समझे हैं अकल वाले नहीं इल्म वाले नहीं तो मालूम हुआ कि इसको अगर जो सुन्नत कहे वो अकल वाला नहीं है आलिम नहीं है बल्कि जाहिल है इनके ख़ुद इनको कहते हम नहीं कहते ये इनके घर की गवाही है एक और शुभ ये कहते हैं कि फ़िके की किताब में आपकी फ़िकर किताब में कि सर को नंगा करना नमाज पढ़े तो दुरुस् उसका खुलासा यही है असल ये वो हमारे यहाँ जैसे गुंजाइश है ना कि भाई अगर किसी ने सर करके पढ़ ली किसी मजबूरी की वजह से तो जायज़ है इसका मतलब यही है ये यह मतलब नहीं है कि हर हाल में सर करके नमाज पढ़नी है बहरहाल आज का मुझ, जो मौजू है वो यही है सर को ढां कर नमाज़ पढ़ना जिस पर आपके सामने दलाल गुजरे हैं इसको समझें और हमेशा याद रखें अपना मौकुफ़ सही समझें और सही समझाने की कोशिश फरमाया करें बस मरतबा हम थोड़ी सी गलती करते हैं हमारी थोड़ी सी ग़लती की वजह से आगे हमारा नाम बदनाम हो जाता है हमारा नहीं हमारा अकबर का नाम बदनाम हो जाता है कि इनके बड़े हैं ही ऐसे इसलिए जब भी काम करें कहीं भी करें अपनी यह कोशिश करें कि कहीं मेरी वजह से हमारे देवबंद का नाम तो बदनाम नहीं हो रहा कहीं मेरी सुस्ती की वजह से हमारे उलमा का नाम तो बदनाम नहीं हो रहा इसका कोश इसकी कोशिश फरमा करें अपने मौकुफ़ को सही याद किया करें अपने मौकुफ़ को सही समझाया करें आपसे बहुत से लोग पूछते हैं भाई आप अपने आप को देवबंदी कहते हैं क्यों कहते आप सीधी बता कर हम देवबंदी इसलिए नहीं कहते हमारे इलाके की वजह से वो जो इलाके की तरफ है देवबंद इसकी वजह नहीं हम देवबंदी इसलिए कहते हैं कि हम दीन के अंदर न कमी करते हैं न ज़्यादा करते हैं आप हनफी क्यों कहते हैं उनसे कहो हम इमाम अबू हनीफ रमत की तकलीद करते हैं जिसकी बिशारत हमें क़ुरान और अहदिस से मालूम होती है इस वजह से है ना व आख़री नबीन मिमिम और इसके आयस सही बुखारी में मौजूद है कि हज़रत इमाम जलादिनसित रमत जो बहुत बड़े मुहदस हैं वो भी फरमाते हैं इससे मुराद इमाम अबू अब इमाम अबू अब फरहतल तो जब हमारी अगर नस्बत हो भी जाए तो हम सीना तान कर कहें हम बिल्कुल ठीक हैं इसी तरह के बहुत से जो ना सवाल जवाब में होते हैं तो हम कोशिश करें कि अपने किसी भी मौजू पर जब बात करनी हो अगर बात न भी करनी हो अब कुछ बहुत ऐसे हैं जो तलबा हैं आप अभी से तैयारी करें जब इन सियासत के अंदर जहाँ भी ये मसला आ जाए तो उसको सही समझने की कोशिश करें मसला रफेदन आ गया आप फ़ाइल उठाएं उस पर देखें हमारा मौक़ क्या है हमारे दलाइल क्या है फिर सबक पढ़ने में मजा आता है हम मुताले की कोशिश करते नहीं हैं पहले समझते नहीं हैं फिर जब सबक आता है फिर सोचते हैं अभी क्या करना इससे पहले समझें कि हमारा मौकुफ़ क्या है हमारे यहाँ एक उस्ताद मोहतरम का खलीफ मुजाज है मौलाना नूर महब सिंध के शेख लदी से वो यहाँ आए थे बारह दिन के दौरान तहकीलम में जब यहाँ से वापसी गए मेरी से गपशप हुई उन्होंने एक बात बहुत अच्छी फरमाई बड़ी उम्र के और शेखुलहदी से उन्हें कहा जब मुझे किसी मसले पर सबक पढ़ाना होता है ना अहम मसला जो अख्तिलाफी होता है कहते हैं मैं उस्ताद मोहतरम का बयान सुनता हूँ फिर फाइल देखता हूँ फिर जाकर सबक पढ़ाता हूँ अब ये उस्ताद जो बड़ी उम्र के शेखुलदी से ये उसकी बात बता रहा हूँ तो इसी तरह हम भी कोशिश करें जो अम में से और साथी से बैठे हैं इसकी कोशिश करें हम अपने मौक़ पर सही तैयारी करके फिर आगे जाए ऐसे ना हो कि हमारे तलबा को पता ही ना हो तो इन शाला कोशिश करेंगे ना और आपके साथ ही जो तलबा है उनसे गुजारिश करूँगा कि कोशिश क्या करें जो आप यहाँ पढ़ के जाते हो न अपने साथियों के साथ तकरार में जरूर रखा करें अपने साथियों को बैठा कर जैसे जुमेरात जुम्मन छुट्टी होती है आप अपने साथियों को बिठा बिठाकर इस मौजू पर उनको तकरार करवा करें इन शाह ये मसला आपको असबर अच्छी तरह याद हो जाएगा फिर आप मुस्तकिल एक इमाम बन जाएंगे वरना हमारे नौजवान कहते हैं कि हम जल्दी से बड़े बन जाए जल्दी से बड़े बन जाए भाई जल्दी से बड़ा बंदा नहीं बनता इस पर जिंदगी लगती है इस पर जिंदगी लगती है एक बंदा चालीस साल से मेहनत कर रहा है और सारे मोहतरम की तकरीबन गलबन अड़तालीस सैंतालीस साल उम्र गलबन तो अब जिस बंदे ने सैतालीस अड़तालीस साल लगाए आज अगर वो ऊपर आ गया उरूच पर आ गया तो उसकी उम्र भी देखो ना मुशक्कत भी देखो ना आप भी थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे तो इनशल आज नहीं कल इनशा आप भी इस मैदान में होंगे कि लोग आपसे रुजू करेंगे तो इनशाला कोशिश करेंगे ना अल्लाह ताली हमें अमल को तोहफे